सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं। डॉक डॉक झुकेगा नहीं। डॉक डॉक
अपनी तो उसने सारा का सारा लिमिट क्रॉस कर दिया। अरे आप क्या कर दिया भैया? अरे क्या बताए भैया, क्या बोलते हैं ये सब जो हरकत है ना पुष्पा का, हाँ। इस सब से उसका ना होने वाली मेहरारू जो है ना मेहरारू, अरे होने वाला बीबी, अच्छा। जब वो गुस्सा गई तो दुख मनाने के लिए साला दारू पी के माइंस में आ गया, हाँ। और श्रीवल्ली श्रीवल्ली चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? अरे होने वाली मेहरारू श्रीवल्ली जी, नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए, रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू, तेरी झलक का शर्फी से समझाया। अरे उसके लिए तो हम लोग स्पेशल सेफ्टी वीक रखे हैं जी, नाटक दिखाया है तब समझ जाए, हेलमेट पहने जैकेट पहने, लेकिन नहीं अभी तो कुछ नहीं है भैया, जो सेफ्टी ऑफिसर है ना उसको कोना में ले जा कैंचा से समझा, लेकिन उस ससुर के नाती समझने को तैयार है तो क्या करे बताइए। देखो पुष्पा मेरी बात ध्यान से सुनो और आप सब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनने वाले, ठीक है? सुरक्षा है कर्तव्य हमारा, सुरक्षा से हो हर कार्य हमारा, हमारा सुरक्षा का धर्म निभाना, सुरक्षित हर रोज घर जाना। ए भाई सुरक्षित हर रोज घर जाने का, ठीक है? भाव बोलता है कि सुरक्षित घर जाने का है सारा वर्कर लोग, ठीक है? सुरक्षा के मापदंड का पालन है कर्तव्य हमारा, हम सबका कर्तव्य, हम सबका कर्तव्य है ना भाई, भाई का बात मानने का, भाई घुसा जाएगा इससे सुरक्षित होगा हमारा परिवार सारा। ए भाई हम सबका परिवार ही ना सब कुछ है भाई, हा? अब हमारा भी परिवार होने वाला, कोई सीसीएल का लड़की ढंग के शादी करेगा अपन भी, तुम ढूंढेगा ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल। हर कार्य करने से पहले जानो और सुरक्षा के हर मापदंड को पहचानो, पहचानने का नहीं तो सेफ्टी ऑफिसर घुसाएगा ना, सेफ्टी ऑफिसर भाई तो बहुत डांटेगा रे ब्रो, है ना? बात के साथ सुरक्षित कार्य है कर्तव्य हमारा, हम सबका कर्तव्य है कि नहीं है दीदी? बोलो ना, हम सबका कर्तव्य है कि नहीं है, है ना? जोर से बोलो ना दीदी। बिना जाने सबको करे ना कोई काम, इससे हो सकता है अपने माइंड्स का नुकसान। देखो भाई जितना भी वर्कर लोग है ना, कुछ भी करो भाई ईमानदारी से काम करने का, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए रसिक्सियर का। अपने कार्य की हरदम करो समीक्षा, सुरक्षा से करो कर्तव्य हमारा, हम सबका कर्तव्य है सेफ्टी नियम का पालन करना। ए भाई काहे को चुप बैठा, तेरे को समझ में आता है ना? आप बोलने रे बाप। सुरक्षा से कार्य करने पर प्रबल होगी इच्छा, सब काम इच्छा से करो लेकिन खुद का ध्यान रखे, बुझ रहे ना? अब बुझता है कि नहीं, कोई बोलो ना रे भाई। हमें लेना है यह संकल्प, सेफ्टी का अब नहीं है कोई विकल्प, कोई विकल्प है क्या भाई सेफ्टी का? अब सेफ्टी किट नहीं पहनेगा तो क्या नुकसान होगा ना? अपना नुकसान होगा, किसी का बाप पे घुस जाएगा, किसी का बाप पे घुस जाएगा, सुरक्षित कार्य हो ये है कर्तव्य हमारा, यह है कर्तव्य हमारा। बिल्कुल ठीक है एकदम, सेफ्टी भाव का जो बात है ना, इधर कपड़े में घुसा लेने का, नहीं तो भाव घुसा जाएगा, ठीक है? पुष्पा मेरी बात समझ में आती कि नहीं बताओ? सेफ्टी भाव हर बात मेरे को बराबर घुसपड़ी में घुसती यार, समझ में आ गई? क्या समझती बताओ? बताओ अभी बताता हूँ, अब बताओ क्यों भाई? तुमने जो बोला ना सेफ्टी भाव, अपन ने सब रिकॉर्ड करके रख लिया इधर, तो अपन तेरे को डायल करेगा अभी और बजा के सुनाएगा, ठीक है? अपन
दिल कमरिया मोरे, हम फिर चिन्ना जरिया मोरे, भगवान भी अगर आ जाए तो इसे समझा नहीं सकता। एक दिन तुम मरेगा ना, तब तुमको समझ में आएगा। ए भाव गलत नंबर डायल हो गया भाई, गुस्सा में काहे को ज्यादा। सेठी भाव, सेठी भाव को कितना बार बोला मैं, अपन पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, फिर भी हर रोज अपन के पीछे पड़ा रहता। किसके पीछे दीदी? अपन को समझाता रोज का मच मच इसका। अपुन पर आज अपुन समझने वाला नहीं है भाई। संजय सिन्हा है ना जी, आप जानते हैं? बिल्कुल। अरे वो समझा समझा करके हमको थक गया भाई। इस सेफ्टी ऑफिसर हमको समझाएगा तरीके। दास जी का हम सुन भी नहीं करते। कहने गए जी दास जी, अरे दास जी, अरे इधर थे भाई। अच्छा हेलमेट ला दे गए, हेलमेट हेलमेट लाने गए हैं, एकदम सही काम किए। ये सेफ्टी ऑफिसर हमको समझा नहीं पाया। चल दिया भाई किधर, अपना काम करने। अब अपुन भी हो करके आता है, ठीक है? किधर से भाई? ये भाई किधर से? अरे नहीं नहीं नहीं, अपुन टेका से होकर के आता है। चलो ठीक है ना, अपुन पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। अरे भाई अभी कोशिश कर लेते हैं, ठीक है? तो देखा देखा आप सबने कैसे कैसे कुछ चंद लापरवाह कर्मचारियों की वजह से माइल्स अक्सर हादसे होते रहते हैं। तो कहाँ है पुष्पराज? आप सबके अंदर भी जिज्ञासा बढ़ गई होगी। तो चलिए उनके करीबी से ही पूछ लिया जाए कि कहाँ है पुष्पराज। तो भाई बताइए कहाँ है पुष्पराज? हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए और मेरे मेरे समझाने से वो समझ जाए। बताइए आप पुष्पा कहियो नहीं समझ सकता भैया, कहियो नहीं पहले समझ सकते हैं जी। कहे कि आखिरकार पुष्पा झुक गया। अरे भैया ये तो अच्छा ना हुआ कि पुष्पा झुक गया। झुक तो गया भैया, लेकिन आखिरी बार आखिरी बार पर समझने के लिए जिंदा ही नहीं है।
कभी किसी भुक्त भोगी ने कहा था, पर हमको नहीं पता था कि एक दिन हमको ही खाना पड़ जाएगा। जीवन की आपाधापी में, रोजी रोटी की भागम भागी में हम लापरवाह हो जाते हैं और सेफ्टी नियमों का पालन करना भूल जाते हैं। बिखर जाते हैं परिवार कहीं, बेरंग हो जाते हैं घर बार कहीं। जिनका ऐसा टूटा हो परिवार, उस दर्द को कैसे भुला पाएंगे? अब तो मर जाने से भी कतराएंगे, अब तो मर जाने से भी कतराएंगे। उम्र थी शायद लंबी इसकी, किंतु दुर्घटना को भेंट चढ़ गया। करना था सपना पूरा, पर फोटो माला पर चढ़ गया। उम्र रहते जीवन का अंत हो गया। लौटना था इसको, शायद रास्ता वही खत्म हो गया। परिवार का बोझ भला अब कौन उठा पाएगा? पैसा बसाया परिवार जो था, वो शायद संघर्षों से गिर जाएगा। थोड़ी सी जल्दबाजी और एक छोटी सी भूल बन जाती है किसी परिवार के लिए जिंदगी का शूल। थोड़ी सी सावधानी कर फिर इंसान जो रख पाएगा। सच मानो तो दुर्घटनाओं का घटना अवश्य कम हो जाएगा, अवश्य कम हो जाएगा, अवश्य कम। पहले ही झुक जाता तो आज उसका जान ना जाए कभी जान किसी का किसी भी हद से में। यही बताने हम आए हैं चाहे तो जहान है। कसम है सबको याद रखना हमारे बातों को, जो है जरूरी चलो पहन के खुद को बचाने को। अनजाना दुख हर घर को अब मिलके भगाना है। सावधानी की सफर में अब सबको गुजरना है। हर काम करने वालों को अब याद रखना है।